क्या आप जानते हैं कार्गो जहाजों को 1 किलोमीटर चलने में कितना डीजल खर्च होता है और इसमें कितने लीटर का ईंधन टैंक होता है? चलिए जानते हैं कार्गो जहाज को एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। वहीं इतने बड़े जहाज को चलाने में 1 लाख हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, जिससे एक कार्गो जहाज 2 लाख टन भार उठाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। वहीं इन जहाजों को चलाने के लिए 1 किलोमीटर में 200 से 240 लीटर डीजल खपत होता है और उनके फ्यूल टैंक में एक साथ 1 करोड़ 32 लाख लीटर डीजल भरा जाता है, जिसकी कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।